केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसको लेकर झारखंड राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष अच्छी पहल बता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर राज्य सरकार की क्या रूपरेखा होती है, ये राज्य के मुखिया को तय करना है। आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो झारखंड में सरना कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल में लाकर पारित करे, जिससे आदिवासी समाज में एक अलग संदेश जाएगा। जनजाति कोटे के जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि निर्धारित की गई है उसमें कटौती ना करे। और इसके संबंध में राज्य सरकार बिल पारित करके भारत सरकार को भेज दिए, तो आदिवासी गौरव दिवस मनाने के लिए अगर भारत सरकार ये सरना कोड को अगर वहाँ से जो परिभाषित कर दे, उसके लिए कॉलम जो आपका जनगणना कोड में कॉलम अलग से उपलब्ध करा दे, ताकि उनकी अपनी पहचान की अपनी आइडेंटिटी बनी रहे, साथ साथ उनका जो सही तरीके से जनगणना हो, तो इससे ज़्यादा विकास का और क्या हो सकता है। इसलिए सब हमको इसे आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर भारत सरकार को जो सरना कोट का जो यहाँ से गया हुआ है आपका प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को संसद से पारित कर दे, ये बहुत बड़ा आदिवासियों का विकास से गौरव का दिवस मान। वही मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा का कहना है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना भारत सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला होगा। यह झारखंड भाजपा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जनजातीय समाज की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में अहम रही है और झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाएगा, राज्य की जनता के लिए गौरव की बात है। के द्वारा जो निर्णय लिया गया, मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक फैसला है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ पूरी तरह से सहमत है। और हम ये मानते हैं कि जनजातीय समाज के गौरव का विषय हो या उनके उत्थान का विषय हो, उनके विकास का सामाजिक आर्थिक हो पहलू हो, सब चीज़ों पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने समग्रता से विचार किया है, तो इस समाज को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, समाज में उनका भी योगदान किस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायक हो, तो जनजातीय समाज के गौरव को स्थापित करने के लिए पूरे देश भर में लोग ये जानें कि बिरसा मुंडा का योगदान झारखंड की धरती पर क्या रहा स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय किया गया कि 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और साथ ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है, तो कहीं ना कहीं एक हम सबों के लिए एक विशेष अवसर है। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जाँच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस में सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।